नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से, पटना से बड़ी खबर, बिहार में माफिया राज खत्म होगा। बालू माफिया के खिलाफ सरकार सख्त है। आपको बता दें कि बालू माफिया पर एक्शन लिए गए, यूयू ने एक एक्शन प्लान बनाया है। पहले चरण में 12 से ज्यादा जिलों के 55 बालू माफिया पर शिकंजा कसा है। बालू माफियाओं की सूची में कई बड़े नाम शामिल है। न्यूज 18 के पास बालू माफियाओं के नामों की पूरी सूची है। तो ये बड़ी खबर, बालू माफिया की सूची में कई बड़े नाम शामिल हैं, ये बड़ी खबर पटना से आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले आपको, बालू माफिया पर एक्शन के लिए यूयू ने प्लान तैयार किया है, जिसमें पहले चरण में 12 से ज्यादा जिलों के 55 बालू माफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा। और इस प्लान के तहत आपको बता दें कि एक सूची तैयार की गई है, जिसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं और उन माफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने भी सख्त तैयारी की है, एक प्लान तैयार किया है। 55 बालू माफिया पर शिकंजा कसा जाएगा। तो पहले चरण में 12 जिलों के 55 बालू माफिया पर शिकंजा कसा है और बालू माफियाओं की सूची में कई और बड़े नाम भी इसमें शामिल है। और वो लिस्ट न्यूज 18 के पास है। आपको बता दें कि बालू माफियाओं के नामों की जो पूरी सूची है वो न्यूज 18 के पास है। और किस तरीके से बालू माफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा, इसके लिए एक प्लान तैयार किया गया है। ईयूयू ने एक एक्शन प्लान बनाया है। लोकसभा स्पीकर को लेकर के सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ गया है। एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला के खिलाफ इंडिया अलायंस ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला ने नामांकन किया तो विपक्ष ने के सुरेश को मैदान में उतार दिया। आपको बता दें कल सुबह 11 बजे सदन में अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग होगी और संसद के इतिहास में ऐसा दूसरी बार होगा जब लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। अठारहवीं लोकसभा के स्पीकर के चयन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आम सहमति नहीं बन पाई। अब स्पीकर का चयन चुनाव के जरिए होगा। देश के संसदीय इतिहास में ऐसा दूसरी बार होगा जब लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। बीजेपी सांसद ओम बिरला एनडीए के उम्मीदवार तो कांग्रेस सांसद सुरेश विपक्षी अलायंस इंडिया के उम्मीदवार हैं। संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए ओम बिरला के पक्ष में एनडीए के नेताओं ने 10 सेट में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए के दूसरे नेता भी मौजूद रहे। वह विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद के सुरेश ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए 3 सेट में नामांकन दाखिल किया। कई लोगों को अपने नए जो दल हैं उनके साथ भी उनको भी सोचना होगा कि फैसला कैसा लें जिससे कि फैसला बड़े बड़े नहीं नहीं सीधी सी कोशिश ये होगी कि आप ये देखें कि उनको टर्म स्पीकर होना था नहीं, लेकिन अगर विपक्ष के साथ उम्मीदवार तो ये संदेश कई। स्पीकर पद पर बात बिगड़ने को लेकर केंद्र मंत्री ललन सिंह ने समझाते हुए बताया कि विपक्ष शर्तों पर राजनीति करना चाहती है, दबाव की राजनीति हमें स्वीकार नहीं। लेकिन वो शर्त पर अड़े रहे और शर्तों के आधार पर वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं, दबाव की राजनीति करना चाहते हैं। अभी इसी समय आप इस शर्त को स्वीकार करिए तो शर्तों के आधार पर लोकतंत्र नहीं चलता है। इस बीच लोकसभा स्पीकर को लेकर विपक्ष भी दो फाड़ हो गया है। ममता बनर्जी ने विपक्ष के प्रत्याशी के सुरेश का विरोध किया है। सूत्र बताते हैं कि सुरेश के नाम पर ममता बनर्जी सहमत नहीं है, इसलिए उनके नामांकन पर सहमति के लिए टीएमसी ने हस्ताक्षर भी नहीं किया। ऐसे में बहुमत के लिहाज से ओम बिरला का स्पीकर पद पर चुना जाना तय है, पर सभी की नजरें बुधवार को होने वाले स्पीकर के चुनाव पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। कांग्रेस के स्पीकर उम्मीदवार को लेकर सियासी घमासान तेज है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि इंडी गठबंधन के लोग इस देश को विकसित नहीं करने देना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि मेरी हिस्सेदारी हो, ये मेरा पद हो, जो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, इस देश में लोकतंत्र को शर्मसार करने वाले ये लोग, इंडी गठबंधन के लोग इस देश को सामंजस्य करके देश को विकसित नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं मेरी हिस्सेदारी हो, ये मेरा पद है। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस गठबंधन को जनता ने हरा दिया वो क्लेम करती है कि हम जीत गए।
कांग्रेस लोग सुविधा के अनुसार उपयोग करती है और परंपरा की दुहाई देकर वो अपने मनमानी को दर्शाती है, दबाव को बताती है, अपनी जमींदारी को दर्शाने का प्रयास करती है, लेकिन सफल नहीं होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी साल भर का समय है, लेकिन उसकी बिसात अभी से ही बिछनी शुरू हो गई है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट पर बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए तो बीजेपी जेडीयू ने उन्हें आरजेडी शासनकाल का इतिहास याद दिला दिया। बिहार में अपराध पर सियासत गर्म है, इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार में अगले साल चुनाव है, उससे पहले अपराध पर घमासान है। जरा पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का ये एक्स पर पोस्ट देखिए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपके पावन मुखार बिंदु से बिहार में दिन दोगनी रात चौगनी वृद्धि कर रहे रिकॉर्ड तोड़ अपराध पर दो शब्द निंदा की अपेक्षा है। वैसे भी सभी न्यायप्रिय एवं विवेकशील बिहारी कहते हैं कि आपको चुनाव के वक्त ही जंगलराज के जंगली सपने आते हैं। आपकी जानकारी और संज्ञान के लिए दो तीन दिन की आपराधिक घटनाओं की दर्दनाक अल्प सूची साझा कर रहा हूं। और इसके बाद तेजस्वी यादव की पोस्ट में कैमूर, मधेपुरा, अररिया, बेतिया, सीतामढ़ी, नालंदा, सिवान, नवादा और समस्तीपुर में हत्या, लूट और छेड़खानी की घटनाओं का जिक्र है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर एनडीए गठबंधन ने लगातार लालू राबड़ी शासनकाल में क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आरजेडी पर हमला बोला था। इधर तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट किया तो उधर बीजेपी और जेडीयू हमलावर हो गई। तेजस्वी को लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिलाने की होड़ मच गई। यहां तक आरोप लगा दिए गए कि लालू राबड़ी राज में अपराधियों को सीएम आवास में पना दी जाती थी। दिमाग खराब हो गया है, उनको याद करना चाहिए उनके पिताजी के राज को। गुंडागर्दी सीएम हाउस से होती थी, सीएम हाउस में बैठकर रैंसम वसूले जाते थे और लालू प्रसाद जी पंचायती करते थे। वो दिन हम लोगों ने देखा है लालू जी का। लेकिन आपको यह बताना चाहिए अपने माँ पिता से पूछकर कि 5,243 फिरौती के लिए अपहरण हुआ था लालू जी और राबड़ी जी के राज में, उस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा दीजिए, तब अपराध पर आप राजनीतिक प्रवचन दीजिए। बीजेपी के आरोपों पर आरजेडी कहां पीछे रहने वाली थी। आरजेडी ने बिहार में अपराधियों का मनोबल बड़ा होने और कानून का राज खत्म होने जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल कर डाला। बिहार धीरे धीरे अपराधियों की चपेट में चला गया है। आम आदमी का जान यहां की कीमत नहीं रह गई है। सुबह हो शाम हो, जहां देखिए अपराधियों के शिकार हो रहे हैं आम आदमी। सुबह निकलो वहां गोलियों की तत्राहट से जाने जा रही है। बिहार का कोई इलाका नहीं जहां अपराधी का तांडव नहीं हो रहा है। कानून का राज तो मर चुका है बिहार में। बिहार में अपराध पर ये तमाम आरोप और प्रत्यारोप दरअसल अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी है। तेजस्वी मुकाबले से पहले पिच सेट कर रहे हैं। 2025 में अब की बार अपराध और लॉ एंड ऑर्डर पर होगी आर पार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। देश पर थोपे गए आपातकाल के 49 साल पूरे हो गए। लोकतंत्र पर पोती गई कालिख को याद कर लोग आज भी सिहर उठते हैं। पर क्या आपको पता है कि करीब 5 दशक पहले आज के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब क्या रहे थे, तब क्या कर रहे थे, किस भूमिका को निभा रहे थे? और इस बेहद खास रिपोर्ट में देखिए इमरजेंसी पर नरेंद्र मोदी की इनसाइड स्टोरी। सरदार के वेश में एक युवा, पगड़ी बांधे, चश्मा लगाए एक सिख नौजवान। तस्वीर पंजाब के किसी युवा की नहीं है, न ही ये शख्स सिख बिरादरी से ही ताल्लुक रखता है। पगड़ी में नजर आ रहा ये व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री है। नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आखिर क्यों नरेंद्र मोदी की ये पुरानी तस्वीर सिख के वेश में दिख रही है, तो इसके पीछे छिपी है आज से ठीक 49 साल पहले की वो कहानी जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काला अध्याय के रूप में जानी जाती है। आपातकाल, इमरजेंसी,
जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश भर में लागू किया था। करीब 21 महीने तक चले इमरजेंसी का ये वो दौर था जिसने शासन और लोकतांत्रिक मूल्यों को हिलाकर रख दिया था। विरोध की हर आवाज दबा दी गई थी और मीडिया के पर कतर दिए गए थे। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए, नागरिक अधिकारों को खत्म कर दिया गया, राजनीतिक विरोधी जेल भेज दिए गए, मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई, फिल्मों पर सेंसर की कैंची तक चलाई गई। तब नरेंद्र मोदी की उम्र 25 साल के आसपास रही होगी। वे गुजरात में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के युवा प्रचारक के तौर पर उभर रहे थे। देश पर थोपी गई इमरजेंसी के फैसले ने इस युवा को इस कदर झकझोर दिया कि नरेंद्र मोदी ने कठोर कानूनों के खिलाफ भूमिगत आंदोलन को बेहद प्रभावी तरीके से अंजाम तक पहुंचाने की कसम खा ली थी। कई मुद्दों पर विरोध को एक मत में बदलना इतना आसान भी नहीं था। पुलिस से छिपते छिपाते, कभी सरदार की वेश में, तो कभी लंबी बालों को बढ़ाकर और कभी दाढ़ी बढ़ाकर वो लगातार अपने मिशन में जुटे रहे। पुलिस हिरासत से बाहर रहकर विपक्षी नेताओं के साथ समन्वय बनाने की नरेंद्र मोदी की हर तरफ चर्चा होने लगी। आपातकाल के दौरान मोदी ने संघर्ष माँ गुजरात नाम की एक किताब भी लिखी, वो भी महज 23 दिनों में अपनी याददाश्त की बदौलत। आरएसएस चाहता था कि उसके सबसे सक्रिय और प्रभावी कार्यकर्ता जेल से बाहर और रडार के नीचे रहकर भूमिगत बने रहें। आपातकाल के 21 महीनों के दौरान गुजरात का शायद ही कोई इलाका ऐसा था जहां मोदी ना गए हों। मोदी जनता को उनके अधिकारों और सरकार की ज्यादतियों के बारे में न सिर्फ सूचित करते रहे बल्कि सहयोगियों के साथ हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं के परिवारों के लिए भी वित्तीय सहायता पहुँचाई। अपनी यादों को नरेंद्र मोदी की इस कविता से समझिए। जब कर्तव्य ने पुकारा तो कदम कदम बढ़ गए, जब गूंज उठा नारा भारत माँ की जय, तब जीवन का मोह छोड़ प्राण पुष्प चढ़ गए, कदम कदम बढ़ गए। 49 साल बाद इमरजेंसी के उस कठोर दौर को याद कर प्रधानमंत्री मोदी यूं ही नहीं कह रहे कि देश पर थोपा गया इमरजेंसी भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काला धब्बा था। भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी। देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। आपातकाल के 49 साल पूरे हो गए, देश इमरजेंसी को डेमोक्रेसी के चेहरे पर कालिख के तौर पर ही देखता है। आज की सच्चाई ये है कि भारत दुनिया को स्वस्थ लोकतंत्र का उदाहरण पेश कर रहा है, दुनिया की 5वीं से 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर कदम बढ़ा चुका है और विकसित देशों की आंखों में आंखें डालकर बातें करता है, जो बताने के लिए काफी है कि भारत आज किस ऊंचाई पर पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और पटना से नीट पेपर लीक कांड से जुड़ी एक बड़ी खबर, सीबीआई की 3 टीम ने निरीक्षण किया। लीक कांड से जुड़े हुए 3 स्थान का निरीक्षण सीबीआई की टीम ने किया है। खेमरी चक के लर्न बॉयज हॉस्टल और स्कूल का निरीक्षण किया, एयरपोर्ट के पास गेस्ट हाउस का भी निरीक्षण किया, दानापुर के सिकंदर में विजेंद्र के ठिकाने का निरीक्षण किया, लर्न बॉयज हॉस्टल में ही पेपर रटवाया गया था। 30 से 35 नीट अभ्यर्थियों को पेपर रटवाया गया था और यही से जले हुए प्रश्न पत्र और आंसर सीट मिले थे। तो सीबीआई की टीम ने निरीक्षण किया गेस्ट हाउस का, बॉयज हॉस्टल का, दानापुर में भी निरीक्षण किया सीबीआई की टीम ने। और आपको बता दें कि वहीं से 30 से 35 नीट अभ्यर्थियों को पेपर क्वेश्चन पेपर रटवाए गए थे एग्जाम से एक दिन पहले और यही से जले हुए प्रश्न पत्र और आंसर सीट मिले थे। तो उस जगह पर एक बार जांच पड़ताल की जा रही है। फिर से सीबीआई की टीम अपने जांच को तेज कर दिया है। लर्न बॉयज हॉस्टल का निरीक्षण किया गया सीबीआई की टीम की तरफ से, वहीं आपको बता दें गेस्ट हाउस का भी निरीक्षण किया गया है। तो नीट पेपर लीक मामला, इस मामले में आपको बता दें कि सीबीआई ने आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और सीबीआई की ओर से एफआईआर की कॉपी कोर्ट में दी गई। आपको बता दें कि पटना सीबीआई की विशेष कोर्ट में कॉपी पहुंचाई गई, आरोपियों की पेशी और रिमांड की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। सीबीआई के अधिकारी और वकील के साथ
कोर्ट भी पहुंचे थे। सीबीआई के अधिकारी वकील के साथ कोर्ट पहुंचे, तो सीबीआई ने एफआईआर की कॉपी कोर्ट को सौंप दी है। विशेष कोर्ट में कॉपी पहुंचा दी गई है और आपको बता दें कि इस मामले में अब जांच पड़ताल तेज है। सीबीआई ने आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, अलग अलग हथकंडे अपना रही है सीबीआई आरोपियों तक पहुंचने के लिए। मेडिकल की प्रतिष्ठित नीट की परीक्षा के लीक हुए पेपर की जांच में काफी तेजी आ गई है। दिल्ली से पटना पहुंची सीबीआई की विशेष टीम लगातार ईओयू के साथ में मंथन कर रही है और नए नए आरोपियों की तलाश भी अब तेज कर दी गई। सबूतों की फॉरेंसिक रिपोर्ट आने का इंतजार है, जिसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन का सिलसिला शुरू होगा। नीट पेपर लीक मामले की जांच तेजी से जारी है। पटना में सीबीआई की स्पेशल टीम की ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान के साथ बैठक हुई, आगे की रणनीति को लेकर बातचीत हुई। वहीं सूत्रों से मिली अहम जानकारी के अनुसार बिहार और गुजरात से गिरफ्तार आरोपियों से सीबीआई पूछताछ करेगी। सभी को एक एक कर रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। वैसे सबूतों के फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है, रिपोर्ट आने के बाद सीबीआई आगे की एक्शन की तैयारियों में जुटी हुई है। अब तक की जांच के अनुसार पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड सिकंदर प्रसाद यादवेंदु है। आरोपी अनुराग, नीतीश और अमित आनंद के कबूलनामे के बाद देवघर से 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपी चिंटू ने खुलासा किया है कि प्रश्न पत्र रॉकी ने व्हाट्सएप पर भेजा था। प्रश्न पत्र लीक कांड के तार झारखंड से भी जुड़े हुए हैं। हजारीबाग में ओएसएस स्कूल का नाम सामने आया है। बताया जा रहा है कि एग्जाम सेंटर पर पहुंचने से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हुआ। इसके बाद और भी कड़ाई के साथ आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। उम्मीद है कि नीट पेपर लीक कांड की गुत्थी सुलझेगी और असली किंग पिन भी जल्द सलाखों के पीछे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। नीट पेपर लीक मामले को लेकर के मंत्री जयंत राज ने कहा कि जांच जारी है, जो भी दोषी होगा वो बचेगा नहीं। उन्होंने कहा कि जो हल्ला कर रहे हैं सुई उसी की तरफ घूमेगा। पूरे मामले की जांच अच्छे तरीके से हो रही है, जो भी उससे संबंधित एजेंसी है उसको जांच कर रहा है। आपको एजेंसियों को जांच करने के क्रम में इस पे कोई बातचीत नहीं करना चाहिए लोगों को, लेकिन जो भी दोषी होंगे वो बचेंगे नहीं। मान लीजिए जिनने भी ये इस तरह का किया है, पॉलिटिशियन के साथ तो फोटो लोग खिंचा ही लेते हैं, हम कहीं जाते हैं आप कहीं जाते हैं फोटो तो लोग खिंचा ही लेता है। फोटो वाला पॉलिटिक्स से बहुत कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन एक बात जान लीजिए कि जो सुई जिस तरफ घुमा है, जो लोग हल्ला कर रहे हैं सुई उसी के तरफ घूमेगा। 27 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाल्मीकि नगर में नवनिर्मित इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की सौगात देंगे और इस दौरान सीएम अधिकारियों के साथ में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के संचालक को लेकर के जरूरी बैठक भी करने वाले हैं। सीएम के आगमन को लेकर के जिला प्रशासन की तरफ से तैयारी अंतिम चरण में है। डीएम दिनेश राय के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने कन्वेंशन सेंटर के साथ ही वाल्मीकि नगर में सीएम के संभावित निरीक्षण स्थल का भी जायजा लिया। चुनाव के पहले इसका ऑनलाइन उद्घाटन हो चुका है, लेकिन चूंकि अभी इसका संचालन नहीं हो पा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी इसका लोकार्पण करेंगे सदा स्थल में। बस सिर्फ इस एक दिवसीय यात्रा है, एक दिवसीय यात्रा। बिहार में जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन को लेकर के अरण्य भवन में बैठक का आयोजन किया गया। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, सचिव वंदना प्रियशी और जैव विविधता परिषद के अध्यक्ष सहित सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जैव विविधता पर चर्चा हुई तो वहीं मंत्री प्रेम कुमार ने सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उनके द्वारा निश्चित तौर पर समीक्षा की जाएगी क्या सुझाव है और उसका हम लोग विभाग के स्तर पर उन बातों को हम देखेंगे, सुझाव दिया है सब हम मिलकर उनको लागू कराने का काम करेंगे।
बिहार सरकार ने तय कर लिया है कि बिहार के वैसे लोग जो बेघर हैं उन्हें 3 डिसमिल जमीन सरकार देगी। बिहार सरकार के अभियान बसेरा के तहत कैंप लगा करके बेघर लोगों को चिन्हित कर जमीन दिया जाएगा। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल से बात की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बिहार के राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल। दिलीप जी, आप एक बड़ा फैसला करने वाले हैं भूमिहीन लोगों के लिए, क्या है सर वो फैसला? देखिए, ऐसा है कि कोरोना काल से के बाद से जो भूमिहीन लोगों को जमीन देना था पूरे बिहार के अंदर, मुख्यमंत्री जी का बहुत ही बड़ा फैसला था ये कि जो लोग भूमिहीन हैं, विशेष करके दलित महादलित और गरीब लोग हैं, जिसके चलते उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, और करीब ऐसे लाखों लोग हैं जिनका कि पर्चा बनकर तैयार है, और बहुत से लोग हैं जो 20-20 साल पहले उनको लाल कार्ड या पर्चा मिला है, लेकिन अभी तक 20 साल 25 साल में भी उनको जो है उस जमीन का कब्जा नहीं मिल पाया है, और वो गरीब बेचारा बोलते बोलते थक गए कि ऐसे परिस्थिति में हम जो है कहां जाएं। तो हमने फैसला लिया है, विभाग ने ये फैसला लिया है कि जो लोग भूमिहीन हैं, भूमिहीन लोगों को पहले से जो सूची बना हुआ है, और वैसे लोगों का जिनका की सूची में नाम अभी नहीं है, तो हम लोग वैसे लोगों को 3 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराएं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, और फैसला लिया है प्रधानमंत्री जी ने कि हम 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम घर बनाने का काम करेंगे। तो जब हमारे गरीब के पास भूमि रहेगा तभी तो हम उसको जो है घर बनाने की बात सोच सकते हैं। तो बसेरा, हमारे यहाँ अभियान बसेरा है, और अभियान बसेरा का जो है फेज 2 ये हम जो है चलाने जा रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, नजर डालेंगे हेडलाइंस पर।